Let me first introduce myself. My name is Ruchika and I am a healer, therapist and a counselor. और जैसे कि मैंने बताया कि आई एम अ हीलर एंड अ थेरेपिस्ट. आई यूज टू गिव ट्रीटमेंट्स एंड काउंसलिंग सेशंस एंड एज अ थेरेपिस्ट एंड अ हीलर आई ऑल्सो कंडक्ट क्लासेस टाइम टू टाइम, ऑनलाइन क्लासेस. कुछ लोग यहाँ पर पहले से हैं जिन्होंने क्लासेस भी की हुई हैं बाय मी एंड टाइम टू टाइम कोई ना कोई क्लासेस आई यूज टू कंडक्ट. तो दिस इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ यू कैन गेट एनर्जेटिक होल डे. तो कोई यहाँ पे शेयर करना चाहेगा कि आपको क्या लगता है कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ या क्या हो सकता है इसका, इसके पीछे क्या आप बता सकते हैं, अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल अनम्यूट यू. Anyone wants to share anything? Okay, गर्विता जी ने बोला है acupressure points. Okay, और कौन क्या बताएगा और क्या बताया जा सकता है यहाँ पे, या energetic आप कैसे रहते हैं whole day? If someone wants to share. Okay. आंचल जी saying food. Okay, where is आंचल जी? Okay, I'm unmuting you. Yes. Please describe this. Ma'am, food like what we eat in a day, and what should we eat to get energy from the food, to get nutrition from the food, because food is the source of whole body. We get good prana from the food and we can reduce the prana level of body through food. So I think food is the major thing and we should discuss it. Okay, sure, fine. Very nice answer. Next, kaun batayega? Okay, Sujata ji batayengi next. Yes, Sujata ji, maine aapko unmute kiya hai. Unmute kijiye apne aapko. आवाज आ रही है मैम? हाँ, यस. गुड आफ्टरनून. एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद आप स्विच वर्ड्स या नंबर वगैरह यूज करेंगे बताने के लिए. ओके, एनर्जेटिक होने के लिए. एक्यूप्रेशर पॉइंट. ओके, कलर थेरेपी आई थिंक. क्योंकि आप इतना सारा सब अभी सिखा रही है तो सब आपको मतलब मिक्सअप करके शायद हम लोगों को वो नॉलेज देने के लिए. हाँ, देखिए जैसे आपने हीलिंग टेक्निक्स बताई, सब में ही कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है. स्विच वर्ड्स भी होते हैं पीछे, एंजल कोड्स भी होते हैं. एंड आंचल जी ने जैसे बताया कि अगर आप फूड न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो उससे भी आपका जो बॉडी है ना वो एनर्जेटिक रहती है. क्योंकि हम लोग फास्ट फूड्स वगैरह खा लेते हैं एंड फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उससे भी ये भी दिस इज द रीजन ऑल्सो. तो ये भी है. और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कलर थेरेपी, हाँ कलर थेरेपी से भी आप कर सकते हैं. मतलब देर आर सो मैनी हीलिंग टेक्निक्स की जिसके थ्रू आप एनर्जेटिक रह सकते हैं. प्राणायाम, योगा. यस बिल्कुल, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. यस बिल्कुल है. क्योंकि देखिये अगर हम अपनी मॉर्निंग की जो शुरुआत है ना, स्टार्टिंग जो हम करते हैं अपनी मॉर्निंग की, अगर हम उसी में ही थोड़ा सा ध्यान रख लें तो पूरा ही दिन जो हमारा होता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है एंड एनर्जेटिक वे में निकलता है. क्योंकि मॉर्निंग तो एक स्टार्टिंग है, उसके बाद आपको एट नाइट तक बहुत ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है हर काम को करने के लिए. क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस ऑल्सो तो वहां पे भी आपको एनर्जी चाहिए. अगर आप यू आर अ होम मेकर तो ऐसे में भी क्या उसको उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. क्योंकि बच्चों के साथ भी चाहिए, हस्बैंड के साथ भी चाहिए, घर का सारा काम करना है एंड आपको पूरा घर को
देखना होता है अच्छे से। अगर आपने मेडन भी लगाई है तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होता है, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, उसके उसके पीछे उसको बोलने के लिए, उसको कमांड्स देने के लिए। तो हर जगह आपको एनर्जी की जरूरत होती ही होती है, होल डे यू नीड एनर्जी, ठीक है। एंड मॉर्निंग में ही अगर आप कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस या सिंपल कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीजों पे अगर आप ध्यान देते हैं डेली, जैसे कि बोला जाता है योगा भी आप कर सकते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना। मेडिटेशन क्यों किया जाता है, जिससे कि आपके जो आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा, माइंड एंड सोल जो है बहुत ज्यादा सूदिंग हो जाए। और जब वो माइंड और सोल आपका जो होता है ना, बहुत ही सेटल डाउन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग वे में काम एकदम हो जाता है, तो क्या होता है, हमें गुस्सा ही नहीं आता, हमारे जो बॉडी में एनर्जी होती है ना उसका लेवल काफी अच्छा वर्क करता है। क्योंकि काफी सारा जब हम एंगर इश्यूज होते हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है ना, जिसकी एनर्जी, वो काफी सारा उसका लेवल जो होता है वो एंगर की तरफ निकल जाता है काफी ज्यादा। कहीं ना कहीं अपने माइंड को, कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां हमें जरूरत ही नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी यूजलेस जगहों पे हम लगा देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे 8 o'clock, 9 o'clock या 10 o'clock होते हैं मॉर्निंग में, और तभी से ही आप लोगों को थकान स्टार्ट हो जाती है। आपको लगता है अभी तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग है, लेकिन यू आर फीलिंग वेरी लेजी, लेथार्जिक, एकदम से आप लोग ऐसा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कॉमन इश्यूज हैं, क्योंकि सुबह इतना, मॉर्निंग में इतना सारा काम होता है ना। हाँ, अभी मैं लेती हूँ सुजाता जी आपका। क्या होता है ना, मॉर्निंग में इतना सारा काम होता है तो हम सबसे पहले उसी की टेंशन ले लेते हैं माइंड में, आज तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। इतनी सारी प्लानिंग्स हम लोग जब लेके चलते हैं ना, तो बहुत सारी प्लानिंग्स के बीच में क्या होता है कि वो हमारे हेड पर प्रेशर, स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि 10 o'clock तक आते आते हम लोगों को बहुत ज्यादा लेथार्जिक सा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में जैसे एक फीवरिश सा फील हो रहा हो, ऐसा टायर्डनेस सी फील होने लगती है। यस सुजाता जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लिए तो ज्यादातर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्लीप, हमारा गुड स्लीप होना जरूरी रहता है ना। पार्डन, एक बार रिपीट करेंगे आप। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि जो सुबह मॉर्निंग का जो एनर्जेटिक रहने के लिए, उसके पहले तो हमारा गुड स्लीप होना जरूरी रहता है, नींद अच्छी होना जरूरी। यस यस, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने रात की नींद अच्छी नहीं, मॉर्निंग है, हाँ, या बस देखिए क्या होता है ना, नींद अगर आपने अच्छे से नहीं ली, आप टाइमली, अगर आप लोग नहीं सो रहे हैं तो मॉर्निंग भी आप अच्छे टाइम, सही टाइम पे वेकअप नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो जो टाइम ड्यूरेशन एक आपको नींद का मिलता है वो भी पूरा नहीं मिला है, उसकी वजह से भी आप लेथार्जिक फील कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके साथ में कोई ऐसे स्लीपिंग इश्यूज भी नहीं है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम्स भी नहीं है, बॉडी में स्ट्रेस भी नहीं है, और अगर आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं डेली में भी, उसके बाद भी अगर ऐसी फील हो रही है, और साथ में अगर आपके साथ में स्ट्रेस भी है और फिर भी आप लेथार्जिक फील करते हैं या एनर्जी फील नहीं करते, ऐसा लगता है एकदम एनर्जी बहुत लो हो गई है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फूड का आप ध्यान दे सकते हैं, मॉर्निंग में आप लोग फ्रूट्स ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। फ्रूट्स जो होते हैं ना बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं और एकदम नेचुरल होते हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ होता, और केमिकल अगर लगे हुए आते भी हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं ना ब्रेकफास्ट में, सिर्फ फ्रूट्स ही खाइए और कुछ मत खाइए। एक तो आप ये देखेंगे कि आप पूरे दिन इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, आप इतना हल्का फील करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों की आदत होती है, हम लोग हैवी नाश्ता कर लेते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट वी यूज टू टेक, ठीक है ना, जैसे पराठा एंड ऑल वी यूज टू टेक, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारी आदत होती है कि जब तक एक आलू का पराठा, उस पर बहुत सारा घी बटर लगा हुआ नहीं मिलता है ना, तो वो मजा नहीं आता, और एक से तो बात ही नहीं बनती, कम से कम दो लेके बैठते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जब वो फिर वो क्या होता है, उस टाइम तो पेट अच्छा भर जाता है, उसके बाद में तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब सो जाओ। अगर आप लोग घर में ही हैं तो आफ्टर 11 to 12 आपको ऐसा लगेगा बस अब सो जाओ, कुछ काम नहीं है, और होगा भी तो आप उसको पेंडिंग वर्क में डाल देंगे, क्योंकि वो जो हैवी जो आपने फूड इनटेक किया है वो जाकर आपके स्टमक में स्टक हो जाता है एकदम,
और फिर उसको जो पचाने में जो टाइम होता है ना, कम से कम 10 to 12 hours लगते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, 10 to 12 hours हम देते नहीं है, एंड उसके बाद हम लंच दे देते हैं उसे 3-4 hours बाद ही, तो वो भी जाके जाके उसके अंदर ही स्टक हो जाता है। तो इसका प्रोसीजर जो है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये हर कोई नहीं जानता है, उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है जो भी हम खाते हैं ना। इसलिए अगर हम लाइट फूड खाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जब तक बॉडी में हल्कापन नहीं होगा, आप लेथार्जिक फील करते रहेंगे। ये आप हमेशा नोटिस कर लीजिए, डेली में आप जो फूड खा रहे हैं और किसी दिन आप तला भुना या बाहर का फास्ट फूड खा लीजिए, उस दिन आप लोगों को अलग ही फील होता है, बिल्कुल अलग फील होगा आपको। तो एक तो आप ये कर सकते हैं, और बाकी मैं कुछ आज आपको कुछ हैंड के मूवमेंट्स या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। इवन अगर कोई बीमार है तो बेड पे बैठकर भी कर सकता है। बहुत इजी एक्सरसाइज हैं, बहुत इजी। इसमें आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी अपने आप ही आ जाते हैं, आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जितने मूवमेंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ वही आपको डेली करने हैं, और उसको करने के बाद में आप देखेंगे कि आप डेली अगर इनको कर लेते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज आपने कितना काम कर लिया, और जब आप नाइट में सोने के लिए जाएंगे तब भी आप ऐसा फील करेंगे कि अभी और भी कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पेंडिंग वर्क हो तो लाओ उसको भी निकाल के हम कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है या अपना कुछ शेयर करना है, नहीं तो फिर मैं उसके बाद में स्टार्ट कर रही हूँ आज की क्लास। हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ कहना है तो। ओके, आंचल जी ने बोला है। यस, वेट। मैम, जो आप ये सिखाने वाले हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है? कैसे इसको याद रखा जाए कि ये जो एक्सरसाइज है या ये जो मूवमेंट्स हैं, ये किस सीक्वेंस में करने हैं, और मतलब कैसे याद रखा हाँ, जाएगा करने तो कि देखिए सीक्वेंस में ये। ही है जो मैं बताने जा रही हूँ, करने हाँ आपको सीक्वेंस में ही है। और अभी आप हाँ इसको जी, चाहे अभी आप मेरे साथ साथ कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर हो जाए, तो वहां से आप एक बार स्टार्ट करके 3-4 दिन आप इसको करेंगे, 4-5 days आप करेंगे, उसके बाद में आपको ये यूज्ड टू हो जाएंगे आप। नहीं तो उसके साथ साथ आप डेली कर लीजिए, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक ओके फाइन, यू। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि मैं उसके बाद में फिर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। कैमराज इफ इट इज पॉसिबल देख लिए ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं साथ के साथ यहाँ कराऊंगी, तो अगर आप मेरे साथ मिलके करेंगे तो आपको वो एनर्जी आप लोग फील कर पाएंगे। इसलिए मैं सबको बोल रही हूँ जितने पॉसिबल हो सके आप कैमराज ऑन कर लीजिए। ओके, गर्विता जी पूछ रही है, 1 मिनट। यस गर्विता जी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्ते मैम। मैम, इसको बच्चे भी कर सकते हैं क्या? एक्चुअली मेरी डॉटर 10th में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सोती है, उसको बिल्कुल कर एनर्जी सकते नहीं हैं, रहती है बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ओके हैं। ओके जितनी भी देखिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज बता रही हूँ या जितनी भी मेरी क्लासेस होती है ना, उसे छोटा बच्चे से लेके 90 years अबव तक पर्सन्स कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। और देखिए कैमरास ओपन करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सब मिलकर करेंगे जो मैं यहाँ पे मूवमेंट्स बताऊंगी, एक्सरसाइजेस बताऊंगी, सब मिलकर करेंगे, तो जितने ज्यादा कैमरास ओपन होंगे उतने ही अच्छा लगेगा। विजया जी, वसंती जी, इंद्रजीत जी, दिनेश जी, इफ इट इज पॉसिबल, अगर हो सकता है तो जरूर ऑन कीजिए। आप साथ के साथ मेरे साथ में ही ना एनर्जी को फील करिए, क्योंकि अगर अभी आप क्लास को देख लेंगे और देखने के बाद में आप करेंगे ना, तो आप उसके बाद में भूल जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई अब हम करते हैं, फिर नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए एनर्जी को फील करने के लिए कैमरास को ऑन कर लीजिए और साथ के साथ कीजिए। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले जैसे हम एक मेडिटेशन पोज में बैठते हैं, उस तरीके से इफ इट इज पॉसिबल तो आप वैसे बैठ जाइए।
जिसको हम सुखासन भी बोलते हैं। एंड क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, now slowly हम लोग अपनी eyes open करेंगे और अब start करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों की rubbing से start करेंगे। इस तरीके से हम हाथों को rub करेंगे और tightly rub करेंगे for 10 times। अब इसके बाद हम पाम का बैक साइड लेंगे, फिर उसको रब करेंगे। टेन टाइम्स टाइटली रब करेंगे। अब नेक्स्ट हैंड चेंज कर लेंगे, सेम इसको भी ऐसी करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद में ये जो आपका एरिया होता है, कान वाला एरिया, ईयर्स वाला, तो इंडेक्स फिंगर आपके पीछे जाएगी और मिडिल फिंगर आगे जाएगी और यहां से टाइटली आप इसको ऐसे करेंगे, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, थोड़ा टाइट करके करेंगे। यू विल फील कि आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे आपको फीलिंग बहुत पता चलने वाली है। थोड़ा सा टाइट करके करेंगे, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। आप चाहें तो आईज क्लोज करके भी इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको सूदिंग फील होगा। टेन टाइम्स यू हैव टू डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे। हमारे ईयर के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक गड्ढा होता है, ठीक है, उस पे हम दोनों अपनी इंडेक्स फिंगर, एक एक इंडेक्स फिंगर लगाएंगे और वहां पर हम प्रेशर देंगे, थोड़ा थोड़ी देर के लिए प्रेशर देंगे और आईज क्लोज करके इसको भी फील करेंगे। बीच बीच में आप इसको डीप प्रेशर देंगे और फिर हल्का सा लूज छोड़ देंगे, हाथ नहीं हटाएंगे। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। हो सकता है ये सब करते टाइम कुछ लोगों को बर्पिंग फील हो, गैस पास हो, तो इट्स अ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस तरीके से हाथों को आप पीछे लेके जाएंगे अपने नेक के, ये जो हाथ हैं इस तरीके से फिंगर्स,
यहाँ बैक साइड में आप लेके जाएंगे बिल्कुल नेक के बैक साइड में, और इसको ऐसे करके आगे की तरफ पुश करेंगे ऐसे, ये आपको इस तरीके से लेके आना है। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू 10 times, काउंटिंग करके 10 times करेंगे, और जो भी जितनी भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे थोड़ा टाइट करके आपको करना है। चलिए सबका हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से अपनी आर्मपिट को ऊपर करना है और हाथ को इस तरीके से रखना है, ठीक है, ये वाला हाथ थोड़ा फुला के रखना है पाम को, और इस तरीके से आपको यहाँ 10 times इस तरीके से करना है। ऐसे टैप करने की आवाज भी आएगी, टाइटली आपको टैप करना है 10 times। देन आप हैंड चेंज करके सेम यहां करेंगे, नाउ ये जो आपका एल्बो की एल्बो होती है उसके बैक साइड में, यानी ये जो हैंड का फ्रंट साइड होता है, यहां पर भी आप क्या करेंगे इस तरीके से हाथ को बनाएंगे और 10 times यहां पर भी टैप करेंगे। फिर इसके बाद में हैंड चेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अपनी रिस्ट, ये जो हमारी रिस्ट होती है इसमें हम क्या करेंगे, थंब और इंडेक्स फिंगर लेंगे, और आप साथ में चाहें तो मिडिल फिंगर भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से करके बहुत अच्छे से मसाज देंगे, रिस्ट की रबिंग करेंगे 10 times टाइट करके एकदम। हो गया सबका। चलिए अब हम अपने पाम का ये वाला एरिया लेंगे जो प्लैनेट एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे इस वाले हैंड के प्लैनेट एरिया से और इस वाले से टैप करेंगे जोर से, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा मिलना चाहिए, इसको हम 10 times करेंगे। इसके बाद में हम नीचे वाले माउंट्स लेंगे अपने पाम के नीचे वाले माउंट्स, इसको भी हम टैप करेंगे दोनों हाथ के माउंट्स को लेके।
नेक्स्ट हम लेंगे स्मॉल फिंगर के साइड वाला एरिया, दोनों साइड वाले एरिया को भी हम इस तरीके से करके टैप करेंगे। इसके बाद में हम थंब का साइड लेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको भी हम इस तरह से टैप करेंगे। ये जो बोनी एरिया है नीचे का, ये जरूर टैप होना चाहिए। जिसको बैक में दर्द रहता है उसको यहाँ पे अच्छा वाला दर्द मिल रहा होगा। चलिए, अभी यहां तक का एक्सपीरियंस बताइए, फिर आगे मैं और आगे कंटिन्यू करूंगी। अभी और भी हमारी एक्सरसाइजेस हैं, कुछ और आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो यू कैन हैंड रेज, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? ओके यस रानू जी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं डेली करती हूँ ये, वाइल मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, मैं और मेरे हस्बैंड डेली ये करते हैं, बट कुछ आपने एक्स्ट्रा बताए और बहुत हल्का लगता है इससे, बहुत हल्का। अभी भी मतलब कंजस्टेड लग रहा था सुबह से काम करते करते हमें, बट आई फील सो लाइट। ओके, एकदम जैसे पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया। ओके ओके, तो ये देखिए ना, ये तो अभी थकान निकली है, अगर आप मॉर्निंग में ही कर लेते हैं तो पूरा ही दिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आपका लगेगा। यस मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा या कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। किसी को कुछ शेयर करना है या फिर कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आई विल अनम्यूट यू। ओके आंचल जी ने पूछा, वेट जस्ट अ मिनट। यस आंचल जी, मैम मुझे ये पूछना है कि आपने जैसे बताया मॉर्निंग में, लेकिन अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका टाइमिंग क्या है? आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर ऐसे कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स? देखिए, अगर मॉर्निंग में कर लेते हैं तो पूरा ही दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 5 to 10 minutes की मैक्सिमम ये एक्सरसाइज होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है ना, तो आप उस टाइम आप कर लेंगे तो पूरा ही दिन आपका अच्छा निकलेगा, क्योंकि जैसे टॉपिक भी मैंने यही रखा है कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक कैसे फील करें, ठीक है। और बाकी तो देखिए, मैंने अभी आपको अभी ही कराया है तो आप एक्सपीरियंस देख रहे होंगे कि किस तरीके से है, तो ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए कि आफ्टर हैविंग अ मील तब एकदम मत कीजिएगा इसको, ठीक है ना। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 hour आप रख सकते हैं, क्योंकि एकदम खाने के बाद में ना डाइजेस्टिव सिस्टम अपना वर्क कर रहा होता है, तो उसमें हमारा इंटरफेरेंस करना ठीक नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे किया है वो थोड़ा सा स्वेटिंग भी फील कर रहे होंगे और बॉडी में हीट भी फील कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखनी है कि मॉर्निंग में आपको सूदिंग लग रहा है या ये वाला जो टाइम है इन द मीन टाइम, ये वाला टाइम आपको सही लगता है या कौन सा टाइम ठीक लगता है। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर मील एट रैंडम आप एकदम नहीं करिए। ओके, अच्छा, और किसी को कुछ डाउट्स हैं या करते टाइम किसी ने कुछ फील किया, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं।
बस टू पर्सन को ही अच्छा लगा और किसी को नहीं अच्छा लगा? अच्छा, सब लोग अपना एक कमेंट सेक्शन चेक करेंगे, उसमें मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर काफी सारी वीडियोस फ्री में हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। स्विचवर्ड से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, वहां पे एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फ्री एंड पेड वेबिनार्स के नोटिफिकेशन भी वहां पर आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने जो मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो वो यहाँ से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी फ्री पेड वेबिनार्स के और टाइम टू टाइम जो पोस्ट्स मैं पोस्ट करती हूँ वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। और आपको इसमें मिलेगा मेरे फेसबुक पेज का लिंक एंड इंस्टाग्राम पे, जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं या लाइक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका भी लिंक है। आप चाहें तो उसको पूरा कॉपी भी कर सकते हैं मैसेज को, और चाहें तो इसको अभी ज्वाइन भी कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है, किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन काउंसलिंग चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, या किसी कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, इन अ मीन टाइम मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा कलर थेरेपी का कोर्स है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हैं और 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, 3 डेज की क्लास है, और इसके अंदर इसको सीखने के बाद में आप मोर देन 100 डिसीजेस खुद क्योर कर पाएंगे, और ये बिल्कुल सेफ होता है। छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कलर्स आर ओनली दिस, ये जो स्केच पेन्स होते हैं ना, जो आप बच्चों के भी ड्राइंग स्केच पेन्स यूज करते हैं, इन्हीं से ही हम बीमारियों को ठीक करते हैं, बाय अप्लाइंग दीज कलर्स ओनली। तो आपको एक तरीके से ये मान लीजिए वेरी लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट, आप ये कह सकते हैं, बिना कॉस्ट के आप एक तरीके से, या वेरी लो कॉस्ट आप बीमारियों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसमें हम एक्यूट एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स क्योर करना बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसके अंदर आपको किसी बेसिक या एडवांस नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। किसी भी तरह की कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आप बोलें कि भी बेसिक एक्यूप्रेशर का हमने कोर्स नहीं किया हुआ है तो हम कैसे करें, नहीं, आप कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट कोर्स, इसका कोई एडवांस लेवल नहीं बताया जाएगा, इट्स अ कंप्लीट कोर्स। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप अपना एनरोल करा सकते हैं, जो नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया था डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में नहीं है तो। और एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, इसके बाद में आ रही है ये 3 डेज की क्लास के बाद में पिरामिड थेरेपी की क्लास है, जिसके अंदर पिरामिड से हम आपको हीलिंग करना बताएंगे कि अपने आप लाइफ एस्पेक्ट्स में या मेडिटेशन में या कहाँ कहाँ आप पिरामिड को यूज करके अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वो क्लास रहेगी आपकी 10th अक्टूबर, यानी उसके बाद ही नेक्स्ट डे रहेगी। 7th, 8th, 9th हमारा रहेगा कलर थेरेपी, एंड 10th को रहेगी पिरामिड थेरेपी की क्लास। इट्स अ 1 डे क्लास ओनली, उसमें साथ में हम मेडिटेशन भी कराएंगे, पिरामिड से आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी क्वेरीज होंगी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे की मैं अब आपको एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, आगे आपको क्या करना है।
आप अपना नी लेंगे, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है दिखाना, तो आप अपना जो नी लेंगे समझ लीजिए बीच में नी है यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके इसको मसाज करके देखिए, इस तरीके से देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ एक मिनट, ऐसे करके आपने नी लिया और इस तरीके से आप इसको रबिंग करके देखिए, 10 times रबिंग कीजिए, इस तरीके से हाथों को लीजिए और इसको रबिंग कीजिए, ऐसे ही आप लेफ्ट करेंगे और सेम ऐसे ही राइट करेंगे, तो 10 times आपको ये भी डेली करना है। इसके बाद में आप मूवमेंट चेंज कर लेंगे और फिर आप राइट वाला लेग लेंगे और फिर उससे भी करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है कि नी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, अगर बहुत से लोगों को देख आपने सुनने में आया होगा कि घुटनों का दर्द कम से छोटी से छोटी एज में भी सुनने में आ जाता है कि नी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और बड़ी एज में तो सुनने में आता है। अगर आप डेली इस मसाज को करते हैं तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर पहले से है तो धीरे धीरे करके ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको जरूर डेली कीजिए इसकी मसाज। और चाहें तो आप इसके ऊपर ऐसे टैप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से टैप भी कर सकते हैं, मसाज भी कीजिए और टैप भी कीजिए, आप अलग ही फील करेंगे उस दिन। आप जब चलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पैरों में एक नई जान आ गई है, लेग्स में एक नई जान आ गई है। और आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा लेग होता है तो ये जो हमारा एंकल पार्ट होता है मेन, ये एड़ी का जो पार्ट होता है, इसको आपको टैप करना है सीधे फ्लोर पर, डायरेक्ट फ्लोर पर टैप करके देखिए इसको 10 times एक एक पैर को। जी रानू जी बताइए। मैम साथ में करना है कि वन बाय वन करना है? वन बाय वन। थैंक यू। ओके यस सुजाता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस दोनों एक साथ करना है कि अलग अलग? एक अलग अलग करना है, वन बाय वन, और बाद में फिर से दोनों एक साथ करना है? नहीं, सिंगल सिंगल ही करना है, दोनों को एक साथ टैप मत कीजिए, और अगर आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं और तब कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, नहीं तो चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। अभी आप करके देखिए एंड फील इट। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, पैर का जो हमारा ये वाला एरिया होता है, आगे वाले प्लैनेट्स होते हैं जो ये वाले फिंगर्स के पास, इनको आपको डायरेक्ट टैप करना है फ्लोर पर, सिर्फ यही एरिया होना चाहिए, पूरा पैर नहीं जाएगा, पूरा सोल नहीं, सिर्फ आगे का टैप करना है फ्लोर पे कीजिए।
कर लिया सबने। चलिए अब हम करेंगे पूरा लेग, जो हमारा ये सोल होता है पूरा सोल, अब हम इसे डायरेक्ट फ्लोर पर टैप करेंगे पूरा, वन बाय वन करेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, मतलब 10-10 times करेंगे। कोई सा भी आप लेग पहले चूज कर सकते हैं, अच्छे से टैप करेंगे थोड़ा टाइट करके। और जब आप इनको डेली करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं रहता, खाना खाने के बाद में भारी भारीपन लगता है, तो आप करोगे तो आप देखेंगे कि खाना अच्छे से हजम होगा, जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि खाना जो होता है ना वो पेट में पड़ा रह जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से भी हम लेथार्जिक फील करते हैं। कितनी बार माइंड में स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से भी हम करते हैं। तो कुछ क्या होता है, हम लोग ना लाइफ में दूसरों को डिवोटी ज्यादा हो जाते हैं, दूसरे के लिए अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, हम बीमार पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम अवॉइड करते रहते हैं। आज पैर में दर्द है, आज हाथ में दर्द है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा, टैबलेट खा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए आपको पेन रिलीफ देते हैं, पेन किलर्स का काम करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ही यंग बने रहें, एनर्जेटिक बने रहें, तो ऐसे में आपको लाइफ में ये कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने आज आपको बताई, इनको एक्सरसाइजेस भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये योगा में नहीं आया पूरा, आपने मैंने पूरे बॉडी का मूवमेंट नहीं कराया, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पूरा बॉडी का मूवमेंट इसमें हो गया। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमें क्या कहते हैं कि एक हाथ पे पूरी बॉडी है, इट मींस कि अगर हमने यहाँ पर ही ट्रीटमेंट दे दिया, इसका मतलब हमने पूरी बॉडी को ट्रीटमेंट दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब योगा अगर नहीं कर पाते, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो योगा नहीं कर पाते, पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क हुआ पड़ा है, तो कैसे करें। ऐसे में आप ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है, हमने कहा कहाँ तक यूज करा, यहाँ पे रिस्ट तक यूज कर रहे हैं, उसके बाद में सिर्फ आप पैर का फुटी एरिया जो है वो ले रहे हैं, इतना आप ले रहे हैं। नीज को अगर आप डायरेक्ट टैप करेंगे तो आप देखेंगे नीज रिलेटेड इश्यूज जो होंगे ना वो क्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब आपको करना है। इसके बाद में हम एक एक्सरसाइज और करेंगे पैरों से रिलेटेड, पैर का जो साइड वाला जो पार्ट होता है, स्मॉल फिंगर वाला, स्मॉल टो के साइड वाला, उसको भी टैप करेंगे। ये वाला जो साइड होता है लेग्स का, उसको टैप करके देखिए, उसमें भी आपको अच्छा वाला दर्द मिलेगा। फ्लोर पे डायरेक्ट मारिए इसको, फ्लोर पे डायरेक्ट टैप कीजिए, फिर बताइए कितने सालों का दर्द निकल रहा है। चलिए हो गई सारी एक्सरसाइजेस हमारी आज की। चलिए तो अब हम हैंड्स को फिर से रब करेंगे 10 times, बहुत अच्छे से रब करेंगे। और अपने फेस पे रब कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। और धीरे धीरे आईज खोलेंगे स्माइल करते हुए। चलिए बताइए एक्सपीरियंसेस, बताइए अपने, शेयर कीजिए सब जने वन बाय वन। हैंड रेस कर सकते हैं अगर चाहें तो, और बाकी हाँ जी सुजाता जी आप बोलिए। फीलिंग फ्रेश वाइब्रेटेड मैडम, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, फीलिंग फ्रेश एंड वाइब्रेटेड। ओके ओके, चलिए थैंक यू फॉर द नाइस फीडबैक, फुल एनर्जेटिक। या इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज सो मच करती हैं। हाँ थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके वेलकम, गॉड ब्लेस यू। चलिए अब कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा?
ओके टिंसी जी करेंगी। यस मैम काफी एनर्जेटिक था ये, और मैम जो फीस में मोस्टली हम लोग के खड़े रहने से पेन होता है, हम जो साइड वाले टैपिंग कराई मैम सीरियसली पता नहीं कितने टाइम की वो दर्दें थी जो वो लिटरली निकल रही थी बाहर, स्टिल अभी भी हल्की हल्की पेन तो हो रही है उसमें, बट मीन्स लेग्स वगैरह में बहुत रिलीफ मिल रहा है मैम। मेन तो खड़े रह रहे के सारा दिन लेग्स में पेन होती है तो वो बहुत काफी रिलीफ है। तो मैम जो हमारी फीट की एक्सरसाइजेस हैं वो सारी जो हमारी हैं वो हमको आपकी तरफ से ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, यू हैव टू रिपीट इट। मैम मैंने पूछा कि जो हमने जितनी एक्सरसाइजेस अभी की हैं लेग्स वाली वाली वो हमें जमीन पे बैठ के ही करनी चाहिए या चेयर पे बैठ के भी करें? देखिए इफ इट इज पॉसिबल आप फ्लोर पे बैठ के कर लीजिए, अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स को करा रहे हैं, इन लॉज को करा रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिस जो फ्लोर पे नहीं बैठ सकता, तो आप उनको बोल सकते हैं वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। मैम जो हैंड्स वाली थी आपकी थोड़ी सी वो स्किप हो गई थी मेरे से, तो मैम क्या इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमें मिलेगा? देखिए मोस्ट प्रोबेबली मिलनी चाहिए। ठीक है मैम ट्राई बेस्ट की मिल जाए मैम। देखिए वैसे तो वेबिनार्स की मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाए जिससे कि सब लोग देख पाए, क्योंकि जब भी आपके पास टाइम आप देख पाए। बाकी मैं ये जरूर चाहूंगी कि हर कोई फ्री वेबिनार में अगर जरा भी टाइम हो तो जरूर आए और जरूर इसको अटेंड करें, जिससे कि जो आप लाइव कर सकते हैं ना कन्वर्सेशन, जैसे अभी आप क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसके आंसर्स मिलेंगे, वो चीज आपको उस पे नहीं मिलती रिकॉर्डिंग में, बस ये आप मिस कर जाते हैं। ठीक है बाकी तो बस कोशिश रहेगी कि शेयरिंग, देखिए शेयरिंग होगी, कोशिश करेंगे कि आपको इसकी वीडियो जरूर मिले। ओके नेक्स्ट कॉज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस रानू जी बताइए। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी, नो आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स मोर। वेरी नाइस एक्चुअली, सारे बॉडी पार्ट स्टिमुलेट हो गए एंड आई फील वेरी रिलैक्स्ड। मैं करती थी ये बट फुट वाला तो नहीं, जैसा फुट वाला आपने बताया ना वो साइड्स वाला, एंड आई फील सो मच पेन इन दैट एरिया। ओके जो लिटिल फिंगर की साइड में आपने बताया तो देखिए क्या होता है, हमारी नर्व्स जो होती है ना धीरे धीरे ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जबकि आप कहेंगे कि हम तो सारे दिन वर्क करते हैं, जो होमली लेडीज हैं वो क्या बोलेंगी कि हम तो सारे दिन वर्क करते हैं, सबके लिए लगे रहते हैं, फिर भी हमारी बॉडी जो है वो क्यों ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों क्लॉटिंग्स क्यों हो रही है उनकी में और ज्यादा होती है, क्योंकि वो साथ में स्ट्रेस के साथ काम करती हैं और बहुत ज्यादा लेवल उनका ज्यादा होता है काम का, इसलिए है। जो ऑफिस में ज्यादा बैठते हैं उनको सर्वाइकल इश्यूज ज्यादा होते हैं। बताइए आप क्या कह रहे थे? और जो आपने बोला कि बैठ के बेटर है, बट उसमें जैसे पैर का कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे जैसे साइड है तो वो बैठ के तो नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, तो वी हैव टू स्टैंड अप एंड डू, हो जाएगा, आप करके देखिएगा, अगर नहीं होता फिर आप चेयर पे करिएगा, लेकिन वो और ज्यादा अच्छा होता है जब आप फ्लोर पे बैठ के करते हैं तो वो टैपिंग और अच्छी होती है, क्योंकि आप हाथ से पकड़ के भी अपने पैर को इस तरीके से टैप कर सकते हैं। अच्छा ओके, देन वी कैन फोल्ड आवर लेग्स एंड डू ऐसे, मतलब स्ट्रेच फोल्ड योर लेग्स, देखिए फर्स्ट यू फोल्ड योर लेग्स, देन वी कैन डू इट। आसन में आप बैठ गए फ्लोर पे, बाद में आप अपना एक पैर निकालिए, इस तरीके से आपने एक लेग को निकाला एंड देन यू कैन टैप लाइक दिस। या या I thought that we have to stretch our legs and do, क्योंकि वो side वाला we can't just touch the वाला part on the floor. नहीं नहीं, that's what उसी type से ही tap करना और उसी से देखेंगे कि आप उसपे pressure बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, fold legs fold करके तो हो जाए। Thank you very much. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा?
करना चाहते हैं आप तो बताइए, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको ऐसा फील हुआ हो कि जो नहीं फील होना चाहिए था, या आपको उसको लेके कोई डाउट हो कि ऐसा क्यों फील हुआ, एक्सरसाइज ये जो मैंने थोड़े से स्टेप्स बताए करते टाइम आप लोगों को ऐसा लगा हो कि ऐसा होता है, दिस इज मतलब इट इज नेचुरल और नॉट, ये चीज अगर आपको पूछना चाहते हैं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। Anyone wants to ask something? अच्छा, मैं सब लोगों से ये बोलूंगी कि हाँ तो आप लोगों ने अपने फीडबैक शेयर कर दिए हैं, लेकिन अगर ये YouTube पे अगर शेयर होती है वीडियो तो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक देयर ऑल्सो, एंड जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां पर भी अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इससे और लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उनको भी पता चलता है कि अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे तो वाकई में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये लाइव वेबिनार्स को जो आप अटेंड करते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद है, इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये सबको अटेंड करनी चाहिए। तो मैं सब लोगों से यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे वेबिनार अटेंड की है डू शेयर योर फीडबैक्स जरूर शेयर कीजिए, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं आगे कोई पेड या फ्री वेबिनार तो वो भी आप चाहें तो मुझे पर्सनली या फिर मेरे ग्रुप में शेयर करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट वेबिनार चाहते हैं, एनी टाइप ऑफ वेबिनार यू कैन टेल मी। और किसी का कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, और या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल अनम्यूट यू। अच्छा, श्वेता जी कुछ पूछना चाहती हैं, एक मिनट। श्वेता जी यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए, गोपा जी ने हैंड रेस किया हुआ है, उनको अनम्यूट करते हैं। यस मैडम, आपका जो एक्यूप्रेशर का जो था ना वेबिनार, जिसमें आपने ब्लड प्रेशर के लिए बताया था रबर बैंड का, उससे मुझे काफी फायदा हुआ, मैं रोज करती हूँ। मुझे काफी फायदा हुआ। उसके लिए तो ना पर्टिकुलरली आपको ना कंसल्टेशन मतलब लेना होगा, क्योंकि देखिए ना कि किस वजह से है और क्या क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कोई साथ में डिसीज तो नहीं है, तो उसका थोड़ा सा डायग्नोस रहता है, देन उसके बाद में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं या कलर थेरेपी है, जो भी हमारी थेरेपीज रहती हैं फिर वो सजेस्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंगली। ओके। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम, मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे ना कोई भी फ्री या पेड वेबिनार के टॉपिक के लिए आप जो बोल रहे थे। यस yes. तो मैम मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक स्पेशल अगर कोई सेशन रखे, चाहे मे बी पेड हो या जो भी हो, क्योंकि बच्चों को अभी बहुत नीड रहती है, उनका कंसंट्रेशन कोविड के बाद में बहुत कम हो गया, लाइक सिटिंग पावर एंड ऑल, तो अगर बेसिकली एक उनके लिए अगर कोई भी एक सेशन हो तो वो आप कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप क्या टॉपिक पे चाहते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंटिंग के लिए आपको चाहिए टॉपिक? श्वेता जी अपना बात को थोड़ा कंप्लीट कीजिए, आई डिडंट गेट। श्वेता जी आर यू देयर?
मैम फॉर स्टूडेंट्स रहेगा तो इट विल बी बेटर ना, क्योंकि मतलब बच्चे पेरेंट्स है तो इतना एक्स्ट्रा सीखना कुछ चाहते नहीं है। कोविड के बाद सभी का अभी कॉन्सेंट्रेशन भी वीक हो गया है, सेटिंग पावर भी नहीं है बच्चों में, इनफैक्ट टॉलरेंस भी पेशेंस भी सब मतलब बच्चों में अभी है ही नहीं, पेरेंट्स में भी नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। तो थोड़ा सा वही एक कुछ ऐसा हो कि उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएं तो वो मतलब एक उनको करके अपना एक वापस से उनका बॉडी में भी मतलब वो एनर्जेटिक फील करे, वैसा ही बोल रही थी। ठीक है ओके आई विल डू दैट, थैंक यू। पर आप उस पर रिमाइंडर जरूर दीजिएगा ग्रुप में, जितने भी लोग मुझे यहाँ पे वेबिनार्स के आइडियाज देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो आप जिस भी मेरे ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो आप मुझे वहां पर एक बार रिमाइंडर जरूर दीजिएगा, ठीक है? आई विल नोट डाउन दैट। एंड डू शेयर योर फीडबैक्स आल्सो इन द ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां पर ये वीडियो अगर अपलोड होती है तो जरूर आप वहां पर भी अपने जरूर शेयर कीजिएगा फीडबैक्स। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और मैं यही चाहूंगी कि डेली आप अपनी लाइफ में इसको जरूर ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि यू विल फील वेरी एनर्जेटिक और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी चाहें तो करा सकते हैं, जैसे कि साथ में मॉर्निंग में एक साथ आप सब फैमिली मेंबर्स बैठ जाइए और सब लोग मिलकर इस एक्सरसाइज को करें तो सबका जो लाइफ है ना एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो उसको जरूर अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। मैंने सबको एक बार अनम्यूट कर दिया है, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आई एम वाइंडिंग अप। यस रानू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू, अमेजिंग। रबर थेरेपी वो कोर्स था और उसके बाद मैंने सर्वाइकल का अपना खुद का एक्यूप्रेशर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं दिया है, जस्ट पुट माय रबर बैंड रिमूव फॉर आफ्टर एक दो मिनट में रिमूव कर देती हूँ, बट इट इज अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। देखिए छोटी छोटी थेरेपीज को अगर आप अपने लाइफ में ऐड करते हैं ना तो ये देखिए कि ट्रिमेंडस अमेजिंग रिजल्ट्स यू विल गेट। तो यही हम लोग लोगों तक पहुंचाना है कि वाकई में थेरेपीज मेडिसिन अपनी जगह है लेकिन थेरेपीज की तरफ भी आप टर्न ओवर होइए। हाँ, बिकॉज दिस इज अ ड्रगलेस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन इज गिवन, तो इसकी तरफ तो इसमें आपको यही है कि अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, थेरेपीज को ऐड कीजिए और थेरेपीज के कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ में इनको ऐड कर लेते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट सेल्फ भी कर सकते हैं, अदर्स का आप करेंगे दैट इज गुड, लेकिन अगर आप औरों का नहीं करना चाहते कम से कम अपने आप को ठीक रखेंगे तो आपको लाइफ में बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है, तो अगर बॉडी ही ठीक नहीं होगी तो व्हाट यू विल डू, कैसे करेंगे, द थिंग इज दैट। तो इस बात का ध्यान रखना है और विद अ शॉर्ट नोटिस, विद अ शॉर्ट दिस थिंग, आज की मैं सेशन यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू फॉर टीचिंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से आप लोग इसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और आप देखें आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते रहे, आप लोग हमेशा सही रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you, ma'am. Thank you. Take care, ma'am. Thank you.